हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 16 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जिस फूड का हम इनटेक करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में जो आते हैं, मैक्रो का क्या मतलब होता है, मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा किसी चीज़ का अमाउंट बड़ा या फिर साइज़ बड़ा, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेजर पार्ट ऑफ फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। माइक्रो की बात करें, छोटे कम क्वांटिटी में, वो हैं हमारे विटामिंस एंड मिनरल्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, ठीक है। सबसे जो सिग्निफिकेंट बात यहाँ पे हमें याद रखनी है वो यही है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनका हम इनटेक करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन होते हैं, वही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा कि एनर्जी हमें, जब भी हम थोड़ा सा ऐसे फील करते हैं कि भाई फेटीग महसूस होती है हमें, ठीक है, थकान होती है, तो उस टाइम कोई विटामिन या मिनरल थोड़ी लेते हैं हम, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि भाई इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज, प्रोटीन कुछ, तो ये वही बात है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही पार्ट होते हैं, सभी मेजर पार्ट ऑफ फूड वो कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमें डाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। डाइजेशन में सबसे पहले जो है बेसिक बात मैं आपको बता दूँ, ये आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि आगे चल के कैसे क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो खाना होता है हम उसका इंजेशन करते हैं। इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। ऑब्वियसली जो फूड हमने कुछ खाया ही नहीं होगा तो डाइजेशन किस बात का होगा, है ना, किस चीज़ का डाइजेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले जो इसका प्रायोरिटी होती है वो इनटेक ऑफ फूड होती है, ठीक है। पहले हमें कुछ खाना होगा, तो वही बात है इंजेशन, इन से याद रखना कि इंजेशन यानी इनटेक। तो इनटेक ऑफ फूड जो है वो इंजेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है, देखो जिस फूड को हम खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको सिंपल एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है जो, उसे हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कोई भारी भरकम फूड का डाइजेशन नहीं हो सकता हमारे पेट में, ठीक है, उसका आगे चल के एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अच्छे से, तो इसलिए जो है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना वो डाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है जो हमारे ब्लड, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड पार्टिकल होता है वो ब्लड या लिम्फ में जब उसको हम पास कराते हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूड है वही तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराएगा ना हमारे फूड को, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो इंजेशन, नेक्स्ट डाइजेशन, थर्ड हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब जो हमारे सेल है, सेल को जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उस फूड को जो है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कराता है, जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। मतलब एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। लास्ट हमारा आता है इजेशन। इजेशन वो होता है इन अनडाइजेस्टेड फूड को जो हम एक्सक्रीट करते हैं, वो हमारा इजेशन होता है। तो ये हम पांच स्टेप्स जो हैं, ये हमारा इस चैप्टर में मेन बेस है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे इसमें बहुत सारे हमारे जो है जूसेस होते हैं, ठीक है, बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस, ये सब कुछ जो डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे मदद करते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। अब देखो गट क्या है हमारी, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना हमारी, जो हमारी गट, उसका ओरिजिन एक्टो एंडोडर्मल होता है। मतलब ओरिजिन ऑफ गट क्या है, एक्टो एंडोडर्मल। ये कैसे आगे बताऊंगी, पहले इस डायग्राम को देखो, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था इंजेशन का, यानी इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड यानी इंजेशन, पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल में जो है फूड लिया, फूड आ गया, ये हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फूड गया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डाइजेशन हो गया, डन। उसके बाद यहाँ हमारा फूड आया, फूड का जो एब्जॉर्प्शन यानी फूड
जो ब्लड या लिम्फ में सर्कुलेटरी फ्लूड जो हमारा तोन में गया वो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। ब्लड से जो है वो हमारे सेल्स में गया, सेल्स में फूट गया, एसिमिलेशन हुआ, या हम उसे कह सकते हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसका इजेशन हो गया। ये तो जो मैंने पांचों स्टेप्स ऊपर बताए थे वो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। जो मैंने अब बात की थी एंडो एक्टोडर्मल जो हमारा गट का ओरिजिन होता है वो ये है। देखो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये ऊपर हमारा माउथ, लास्ट में एनस, ठीक है। ये जो इससे ऊपर होती है इसे हम फोर गट कहते हैं, फोर गट, ठीक है। मिडल, और देखो ये यहाँ पे देखो, इससे फोर गट से नीचे, फोरगट से नीचे ये हमारा फेरिंग्स होता है, ठीक है। हम जानते हैं हमारा नेसल पैसेज, उसके बाद हमारा जो है फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब चालू हो जाता है। तो ये हमारा फेरिंग्स, यहाँ पे हमारा रेक्टम होता है, ठीक है। रेक्टम से नीचे, ठीक है, जो लोअर पार्ट होगा वो हिंडगट, अपर पार्ट फोरगट, मिडल पार्ट मिडगट। तो जो अपर पार्ट है उसको हम एक्टोडर्मल कहते हैं, मिडगट को एंडोडर्मल, और एट द एंड लोअर गट को भी हम एक्टोडर्मल कहते हैं। तो ऐसे हमारा जो ये पॉइंट, आप ये बात आपको समझ आई होगी कि ओरिजिन ऑफ गट एक्टो एंडोडर्मल कैसे है। ये ऐसे है, तीन गट में डिवाइडेड है, फोरगट मिडगट हिंडगट, फोरगट एक्टोडर्मल, मिडगट जो है हमारी एंडोडर्मल होती है, और हमारी हिंडगट जो होती है वो हमारी एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। यहाँ हमारा एनस होता है, ये हमारी एनल कैनल होती है, कैनाल, एनल कैनाल से जो हमारा एनस में डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड पास होता है। डन, नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी ये बकल कैविटी होती है, ठीक है। यहाँ हमारी लिप्स जो होते हैं, लिप्स होते हैं, अंदर टंग होती है, हमारे चीक्स होते हैं, ठीक है, ये सब होता है। तो स्ट्राइटेड मसल, हमारे जो लिप्स में मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स होती है, ठीक है। ये हम मसल्स वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे कि मसल्स कितने टाइप की होती है, स्ट्राइटेड होती है, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, ये सारा उस चैप्टर में है। तो जो स्ट्राइटेड मसल हमारी लिप्स में होती है उन्हें हम ऑर्बिक्युलेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिक्युलेरिस। उसके बाद जो चिक्स में मसल होती हैं उनका नाम होता है बकिनेटर। बकिनेटर आप कैसे याद कर रख सकते हो? बकल कैविटी हमारे जो माउथ के अंदर वाले पोर्शन को हम कहते हैं। तो याद रखना, चिक्स कहाँ है? हमारे माउथ का ही तो एक हिस्सा है ना, तो उसे हम बकिनेटर, उसमें मसल्स होंगी बकिनेटर। स्ट्राइटेड मसल लिप्स में ऑर्बिक्युलेरिसिस, ऑर्बिक्युलेरिसिस, ठीक है। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं हमारे जो है माउथ में, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो सलाइवा ह्यूमंस में जो है तीन प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। देखो थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन होती है नेचर में सबसे पहले, मतलब डक्ट प्रेजेंट होती है। देखो एंडोक्राइन जहाँ पे भी बात आ जाए, मतलब हम डक्टलेस सब्सटेंस की, ग्लैंड की बात कर रहे हैं। हाँ अब देखो इसमें तो सलाइवरी ग्लैंड की हमने बात की, तो क्या होगा? एक्सोक्राइन नेचर है, डक्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी बट ओपन इनटू बक्कल कैविटी। देखो अपने जो है बक्कल कैविटी के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी ये प्रेजेंट होती है, लेकिन ओपन बक्कल कैविटी यानी अंदर ही ओपन होती है, ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर ही ओपन होती है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होती है? बक्कल कैविटी के बाहर। आप देखो कैसे, अब इनकी लोकेशन, सलाइवरी मैंने बताया था तीन टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनकी लोकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और इनका डक्ट का नाम। पहला सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड है ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लोकेशन चिक्स होती है। लार्जेस्ट कैसे याद रखोगे? चिक्स यानी सरफेस एरिया ज़्यादा, ठीक है, हमारे चिक्स होते हैं, हमारे गाल होते हैं, कितने ज़्यादा मतलब एरिया में होते हैं। तो पैरोटिड ऐसे आप याद रख सकते हो कि सलाइवरी ग्लैंड चिक्स में है, ज़्यादा है, पैरोटिड इसका मतलब लार्जेस्ट होगी। डक्ट का नाम है स्टीनसंस डक्ट, पैरोटिड डक्ट का जो है नाम है, लोकेशन है चिक्स। नेक्स्ट बात करें सबलिंगुअल की, स्मॉलेस्ट ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, बिलो द टंग, टंग के नीचे। ऑब्वियसली हमारी टंग छोटी होती है, और टंग के नीचे अगर हम सरफेस एरिया को देखें तो बहुत कम होता है ना हमारा, हमारे माउथ के अंदर अगर ये सरफेस एरिया की बात करें, तो बिलो टंग जो है स्मॉलेस्ट एरिया, तो क्या होगा? सबलिंगुअल, ये हमारी स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस, या फिर बार्थोलिन्स डक्ट भी हम इसे कह सकते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट।
लास्ट है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी जो है ये हमारी सब मैक्सिलरी, या हम इसे सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। लोअर जो हमारा जो पीछे लोअर जो होता है, जो क्या होता है हमारा जबड़ा, ठीक है, तो उसके नीचे जो ये सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर मैंडिबुलर भी से हम कह सकते हैं, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम वार्टन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्टन्स डक्ट। याद रखना है पैरोटिड लार्जेस्ट चिक्स में, ठीक है, डक्ट अभी याद कराऊंगी मैं अभी। पैरोटिड लार्जेस्ट चिक्स, सब लिंगुअल स्मॉलेस्ट बिलो टंग, सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर इन लोअर जो। पैरोटिड का नाम स्टीनसन्स डक्ट, ठीक है, सब लिंगुअल जो हमारी स्मॉलेस्ट है डक्ट ऑफ रिविनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट, सब मैक्सिलरी वार्टन्स डक्ट, ठीक है। अब देखो जो हमारा सलाइवा है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोडक्शन या उसकी स्टिमुलेशन सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, वो हमारी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है ना, वो स्टिमुलेट कराता है सलाइवा को, ठीक है। सलाइवा की जो स्टिमुलेशन होती है वो PNS के थ्रू होती है। PNS यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो में डिवाइडेड होता है, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक। जो PNS पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेशन कराता है सलाइवा की, और इसकी इनहिबिशन मतलब सलाइवा की इनहिबिशन क्या होता है, उसे बंद कराना, ठीक है, उसकी उसकी जो प्रोडक्शन है सिक्रेशन हो रहा है उसको बंद कराना, वो कौन करता है? सिंपेथेटिक सिस्टम, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम SNS, ठीक है। अब हमने बात की कर ली सलाइवरी ग्लैंड्स की, नेक्स्ट हम आते हैं टंग पे। टंग जिस सरफेस से अटैच होती है ना, जो हमारे नीचे बकल कैविटी में अंदर टंग जिससे अटैच होती है, जिस सरफेस से, उसे हम फ्रीनुलम लिंगवी भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे NCERT की बुक में भी दे रखा है। टंग जिस सरफेस से अटैच होती है, जिस मसल से अटैच होती है, फ्रीनुलम लिंगवी उसका नाम होता है, ठीक है। अब जो हमारी टंग पे कुछ पेपिले लगे होते हैं, मतलब पेपिले लगे क्या होते हैं, पेपिले इनके ऊपर होते हैं, जो मतलब टेस्ट बर्ड्स भी जिसे हम कह देते हैं। चार टाइप्स के हमारी टंग में पेपिले होते हैं। पहला सरकम वेलेटे पेपिला, ये लार्जेस्ट होता है। सरकम वेलेटे पेपिला लार्जेस्ट पेपिला होता है, लेकिन मिनिमम इन नंबर 100 टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, 100 टेस्ट बर्ड्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट बात करें फंगी फॉर्म पेपिला की, 5 टेस्ट बर्ड ईच पेपिला में इसमें प्रेजेंट होते हैं। फंगी पेपिला में, पेपिला में, फंगी फॉर्म पेपिला में जो है 5 टेस्ट बर्ड होते हैं। थर्ड बात करें फिलीफॉर्म पेपिला की, मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, लेकिन कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड नहीं होता, स्मॉलेस्ट होते हैं ये, ठीक है। सरकम वेलेटे तो लार्जेस्ट थे, फिलीफॉर्म पेपिले स्मॉलेस्ट है, सरकम वेलेटे मिनिमम इन नंबर थे, फिलीफॉर्म पेपिला मैक्सिमम इन नंबर है। सरकम वेलेटे में 100 टेस्ट बर्ड भी थे, फिलीफॉर्म पेपिला में कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सरकम वेलेटे का अपोजिट होता है फिलीफॉर्म पेपिला, ठीक है। और फंगी फॉर्म पेपिला तो मैंने बताया ही है कि 5 टेस्ट बर्ड ईच। लास्ट की बात करते हैं, लास्ट हमारा जो पेपिला है फोलिएट पेपिला। बात इसमें जो सबसे जो है ज़रूरी बात ये है कि ये ह्यूमंस में होता ही नहीं है। फोलिएट पेपिला ह्यूमंस में अब्सेंट होता है। नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑप्शन दे देंगे पेपिला में से, इन पेपिला में से कौन सा जो है ह्यूमन में अब्सेंट होता है, ठीक है। फोलिएट पेपिला ह्यूमंस में अब्सेंट होता है। 4 पेपिला हमने पढ़े, सरकम वेलेटे, फंगीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, फोलिएट पेपिला, ठीक है, फ्रीनुलम लिंगवे, टंग की, टंग जिससे अटैच होती है। ये देखिए हमारी टंग, ठीक है। अब हमें पता है कि हम कुछ भी खाते हैं तो खट्टा मीठा कड़वा जो है उसका हमें टेस्ट आता है, तो हमारी टंग पे मैंने बताया कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं। पीछे की साइड टंग के, टंग में पीछे की साइड जो है बिटर टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है, जिससे हमें कड़वा टेस्ट आता है। और इनके लेटरल साइड पे, टंग की लेटरल साइड पे सोर यानी खट्टा, और सबसे आगे फ्रंट में टिप ऑफ जो टंग है हमारी वहाँ पे स्वीट टेस्ट बर्ड होता है। स्वीट के पीछे अगर थोड़ा सा टिप ऑफ टंग के पीछे चले तो वहाँ पे हमारा होता है सोल्टी, ठीक है, सोल्टी टेस्ट बर्ड हमारा होता है। बिटर पीछे, लेटरल में सोर और सोल्टी, सबसे आगे स्वीट। हमने बात कर ली उसकी सलाइवा की, कर ली, ठीक है, टंग की बात कर ली। अब आते हैं टीथ पे, ठीक है।
तीन प्रकार के हैं, ये आप देखो, ये जो हमारा जो बोन है इसके ऊपर ऐसे जो ये क्यूबोइडल आपको दिख रहा होगा, ये एक्रोडेंट टाइप ऑफ टीथ होता है जो एम्फीबिया में होता है, ठीक है, एक्रोडोंट। ये देखो, ये हमारा जो बोन ऐसे जो ऐसे टेढ़ा और शार्प होता है, ये प्लूरोडोंट इसे हम कहते हैं, प्लूरोडोंट। ये रेप्टाइल्स में होता है, कुछ रेप्टाइल्स में ये होता है, ये एम्फीबिया में, ये रेप्टाइल्स में। आप देखो, ये हमारा है बोनी सॉकेट, ठीक है, हमारा जो बोन है ये, और इसके ऊपर, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे जो होता है हमारा टीथ, वो थीकोडोंट अरेंजमेंट वो होती है, वो हम में यानी मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप की थीकोडोंट अरेंजमेंट होती है टीथ की हमारे में। और जिस जहाँ से ये अटैच होती है टीथ, जो बोनी सॉकेट से अटैच होती है, उसके अंदर जो ये पेनिट्रेट है थोड़ी सी, इस एरिया को, इस रीजन को हम एल्वियोलस कहते हैं, एल्वियोलस, थीकोडोंट अरेंजमेंट होती है टीथ की मैमल्स में हमारे में। नेक्स्ट बात करें कि टीथ फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं टीथ फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल होता है टीथ, जबकि गट क्या था हमारा, एक्टोडर्मल, ठीक है। थीकोडोंट मैंने बताया, थीकोडोंट हमारी मैमल्स में होती है अरेंजमेंट। डाइफायोडोंट ये क्या टर्म है, इसका मतलब ये है कि जो हम मैमल्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे में दो बार दांत जो है निकलते हैं, एक बार जिसे हम कहते हैं कि हम जब वो दूध के दांत हमारे होते हैं टेम्प्ररी टीथ, वो 20 होते हैं, डेसिडियस होते हैं, मतलब वो क्या है, टूट जाते हैं। नेक्स्ट बात करें परमानेंट टीथ जो हमारे आते हैं दूध के दांत गिरने के बाद, वो हमारे 32 होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। थीकोडोंट अरेंजमेंट, डाइफायोडोंट जो है इसका मतलब है ट्वाइस, दो बार हमारे दांत आते हैं, एक बार परमानेंट, एक बार टेम्प्ररी। अब देखो, 12 टीथ जो है वो मोनोफायडोंट होते हैं। मोनोफायडोंट क्या होता है, देखो डाइफायडोंट दो बार जो निकल रहे हो, तो मोनो क्या होगा, मोनो मतलब एक बार, मोनोफायडोंट यानी एक बार, तो ये तो देखो अल्टीमेट हो गया ना, अल्टीमेट बात है कि अल्टीमेटली समझी जा सकती है कि टेम्पररी टीथ जो थे वो हमारे 20 थे, हम बड़े हुए परमानेंट टीथ 32 हो गए, कितने का डिफरेंस आया, 12 का, यानी 12 टीथ जो है हमारे लाइफ टाइम में एक ही बार निकलते हैं, और उन टीथ को हम मोनोफायडोंट कहते हैं, जो हमारे प्री मोलर और लास्ट के मोलर के टीथ होते हैं। देखो, पहले ये समझने से पहले यहाँ हिटरोडोंट को देख लेंगे। हिटरोडोंट क्या होता है, मतलब मैमल्स के जो हमारे टीथ होते हैं ना, उनका नाम होता है, उनको हम हिटरोडोंट कहते हैं, ठीक है। चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर्स। इंसीजर हमारे आगे वाले टीथ होते हैं, ठीक है, कैनाइन हमारे इंसीजर से पीछे होते हैं, और प्रीमोलर्स हमारे जो है कैनाइन के पीछे, और मोलर्स बिल्कुल उससे पीछे, ठीक है। तो कैनाइन, और अब आप ये समझोगे कि चार टाइप्स के मैंने जो है आपको हिटरोडोंट टीथ बताए हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर और कैनाइन जो होते हैं उनकी सिंगल रूट होती है, मतलब नीचे जो उनकी रूट होती है ना, वो सिंगल रूट होती है। प्रीमोलर की सिंगल भी हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मोलर की बात करें, दो या तीन रूट्स होती है, मतलब मोलर और प्रीमोलर, मतलब प्रीमोलर में तो चलो एक्सेप्शन हो सकता है कि भाई सिंगल हो भी 1%, प्रीमोलर में हमेशा दो या तीन रूट्स होती हैं। तो जितने भी प्रीमोलर और हमारे लास्ट के मोलर के टीथ होते हैं, वो हमारे सारे मोनोफायडोंट होते हैं, ठीक है। इंसीजर या कैनाइन हमारे मोनोफायडोंट में नहीं आते, प्रीमोलर और लास्ट के मोलर के टीथ आते हैं। लास्ट मोलर टीथ, विजडम टीथ, चार होते हैं हमारे, ठीक है। विजडम टीथ हमारे कितने होते हैं, चार, जिसे हम अक्कल झाड़ भी कह देते हैं, ठीक है। विजडम टीथ हमारे चार होते हैं, मोलर होते हैं वो, जिनकी दो या तीन रूट्स होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मूला ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जो, वो क्या होता है, अडल्ट्स में जो ये फॉर्मूला होता है 2123/2123 होता है। देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, ऐसा क्यों, और देखो ये है हमारा हाफ, इससे हमारे जो है दांतों की आधा क्वांटिटी हमें पता चलती है, और पूरी जाननी है कंप्लीट के लिए इंटू टू कर देंगे। अडल्ट की देखेंगे पहले, यहाँ पे देखो दो इंसीजर, दो नीचे इंसीजर, चार हो गए, चार को डबल करें आठ हो गए इंसीजर, चार हो गए कैनाइन, उसके बाद चार, आठ हो गए हमारे प्रीमोलर, और 12 हो गए हमारे क्या, मोलर्स, ठीक है, और वो हो जाएंगे हमारे 32 टोटल। बात करें चाइल्ड में, अब चाइल्ड में तो हमारे मोलर तो होते ही नहीं ना, सॉरी प्रीमोलर तो होते ही नहीं, प्रीमोलर नहीं होते तो यहाँ क्या आएगा, 0, और मोलर कितने होते हैं, 2, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका चाइल्ड में फॉर्मूला हो जाएगा 2102, अडल्ट में था 2123, फोर चाइल्ड 2102, फुल का निकालना है इनटू टू कर देंगे। अपर जोटीथ आर प्रेजेंट, जो हमारे अपर जोटीथ होते हैं ना, ऊपर की साइड जोटीथ होते हैं, उन्हें हम मैक्सिला बोन, वो हमारे मैक्सिला बोन का पार्ट होते हैं। लोअर नीचे की साइड मैंडिबल, ठीक है, ये हमारे स्केल्टन सिस्टम में स्कल को, स्कल अगर आपने कभी पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो आप देखोगे कि जो हमारे नीचे लोअर जो बोन है ना, उसे हम उसको, वो रीजन भी मैंडिबल ही होता है, ऊपर वाला मैक्सिला। तो अपर जोटीथ मैक्सिला बोन, लोअर मैंडिबल। उसके बाद देखो जो टस्क ऑफ एलिफेंट होती है वो रूटलेस टीथ होती है। रूटलेस से क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि उनकी रूट नहीं होती है, रूटलेस टीथ का मतलब है वो हमेशा ग्रो करते रहते, कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं वो। और ये जो है एलिफेंट के टस्क में इंसीजर होते हैं, ये जो ग्रो करते रहते हैं, टस्क ऑफ एलिफेंट जो है ग्रो कंटिन्यूसली इंसीजर, रूटलेस टीथ। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड ऑफ एनामेल, जो हमारा टीथ है वो हार्ड च्यूइंग सब्सटेंस है। आपने कभी देखा है कि अगर आप अपने दांतों से अखरोट भी तोड़ लेते हो तो वो किस वजह से, वरना अगर इतनी सॉफ्ट टिश्यू होता, स्मूथ मसल्स होती तो ये तो मतलब दांत टूट के हाथ में आ जाते है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनामिल एक बहुत हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है जो फूड की मैस्टिकेशन में भी मदद करता है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी हमारा इनामिल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी इनामिल है। और जो है ये एक्टोडर्मल होता है, 96% इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो वैसे भी हमारी बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो 96% जो हमारे इनामिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मेन पार्ट ऑफ टूथ हमारा डेंटाइन होता है, मीजोडर्मल होता है, डेंटाइल मीजोडर्मल, इनामिल था एक्टोडर्मल, ठीक है, एक्टोडर्मल, जबकि डेंटाइन है मीजोडर्मल। मीजो का मतलब क्या होता है, जो स्मूथ मसल से बना हो, राइट। डेंटाइन जो है मीजोडर्मल है, 69% ऑर्गेनिक सॉल्ट उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसमें 99% था इनामिल में, अपने डेंटाइन में 69%। ये डायग्राम देखो, ये हमारा जो है अपनी ये बक्कल कैविटी है, यहाँ हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये हमारा माउथ है, ये हमारा यूवुला होता है, ठीक है, जो हमारे माउथ और नोस्ट्रिल्स को अलग करता है। यहाँ पे हमारा नेसोफेरिंक्स है, ठीक है, ये हमारा फूड आया, हमने फूड का इनटेक किया यहाँ से, ये हमारा गया ओस्फेगस में, ओस्फेगस के ऊपर ये इसकी गलट होती है, ये हमारी ट्रैकिया है, ये इसका ग्लोटिस है, इसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्यों होता है, ताकि जब फूड आए एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर ले, ताकि फूड जो है ट्रैकिया में ना जाए और सीधा ओस्फेगस में ही जाए। ओस्फेगस एक म्यूकस ग्लैंड होती है। ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो है यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड का और एयर का, यहाँ से हमारी एयर आ रही है, यहाँ से फूड आ रहा है, यहाँ पे फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स तो हुआ ना कॉमन पैसेज। ओस्फेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंग्स, ओस्फेगस और ट्रेकिया ओपन होती हैं फेरिंग्स में, ठीक है। ओस्फेगस जो है फिर हमारा ओस्फेगस थी, ये हमारे स्टमक में ओपन हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे स्टमक, ठीक है। स्टमक के चार पार्ट होते हैं, मैक्सिमम पेरिस्टेलसिस यहाँ पे होती है, और मिनिमम की अगर बात करें तो वो होती है हमारी रेनल में, ठीक है। तो मैक्सिमम पेरिस्टेलसिस से क्या मतलब है कि भाई हम पेट में है ना, हमारे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, खाने की मूवमेंट, क्योंकि आगे भी तो पास करना होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्टोमक से अब आप आगे पढ़ोगे डुओडिनम, जेजिनम, उसके बाद कोलोन, रेक्टम वगैरह, और फिर लास्ट में हमारा एनस। तो मैक्सिमम पेरिस्टेलसिस होती है हमारी स्टमक में, और मिनिमम होती है हमारे उसमें, अपने रेनल ट्यूबल में हमारी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा स्टमक है, स्टमक का अपर पार्ट, यहाँ पे हमारी होती है गैस्ट्रोस्फेगियल स्पेंक्टर। इसका मतलब क्या होता है, ये कार्डिक स्पेंक्टर होती है, यहाँ पे हमारी, इसके ऊपर ये हमारी ओस्फेगस है, ये हमारा क्या है, ये गैस्ट्रो मतलब ये हमारा स्टमक है यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ से फूड जो है अंदर आता है पेट में। हमारे फंडस, ये ऊपर की साइड फंडस होता है, ये हमारी कार्डिक है, ये हमारी बॉडी, और ये हमारा पाइलोरिक स्पेंक्टर होता है। पायरोलिक स्पेंक्टर के बाद ये हमारा डुओडिनम, ये क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डुओडिनम, इस कारण पायलोरिक स्पेंक्टर के द्वारा जो हमारे डुओडिनम में फूड जाता है। ओस्फेगस से हमारा गैस्ट्रिक में कहाँ से आया, गैस्ट्रोस्फेगियल स्पेंक्टर से, डुओडिनम में गया पायलोरिक स्पेंक्टर के थ्रू, ठीक है। एम्प्टी स्टमक हैज़ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, जिसे हम गैस्ट्रिक रूप कहते हैं।
अब हम खाली पेट हैं तो उस टाइम हमारे जो स्टमक में लंबे लंबे फोल्ड्स होते हैं जिसे हम गैस्ट्रिक र्यूक कहते हैं, ठीक है। इन स्टमक एपिथीलियम फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। हम जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यही इस चैप्टर में मेन पढ़ने का है। आप देखते हैं जो सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड और उनका सिक्रेशन, सबसे पहले म्यूकस या गोब्लेट सेल्स, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं म्यूकस या गोब्लेट सेल्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सिंटिक या पेरिएटल सेल्स, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिंटिक या पेरिएटल सेल्स जो हैं वो HCl, CIF, Kassel's इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। Kassel's इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है जो सिक्रेशन करता है विटामिन डी और विटामिन B12 का। विटामिन B12 हमारी RBC की मैचुरेशन और फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, उसका सिक्रेशन नहीं हो पा रहा, तो हमारी बॉडी में परनिशियस एनीमिया हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी जो है ऑक्सिंटिक या पेरिएटल सेल्स ही सिक्रेशन करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को जो है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ जैमोगन सेल्स, पेप्टिक सेल्स भी जिसे हम कहते हैं, जो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। बात करें आर्गिनेटिफिन का, ये जी सेल्स, टी सेल्स, ई सेल्स का ई सेल्स जो है सिक्रेशन करती है गैस्ट्रिक हार्मोन का। डी सेल्स सोमेटोस्टेनिन का जो इनहिबिटरी होते हैं हमारे। ई सेल्स जो है हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का। अगर पेप्टिक सेल काम करना बंद करे तो जो प्रोटीन डाइजेशन है वो अफेक्टेड होगी। कैसे, जो पेप्सिनोजन है हमारा, रेनिन है, ये हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है सारे, तो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो अफेक्ट हो जाएगी। पेरिएटल जो मैंने सेकंड बताया था ऑक्सिंटिक, वो काम करना बंद कर दे तो pH बढ़ जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी और परनिशियस एनीमिया हो जाएगा। अब बात करेंगे इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन जो है एक हमारी स्मॉल होती है, एक हमारी लार्ज होती है। जो स्मॉल है, आप अपोजिट याद रखना, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हुई तो मतलब लेंथ बड़ी, डायमीटर कम होगा सिर्फ, ठीक है, एरिया कम होता है लेकिन लेंथ उसी की बड़ी होती है। लार्ज की बात करें लेंथ कम होगी, डायमीटर ज़्यादा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा आता है डुओडेनम, फिर जेजिनम, फिर इलियम, ठीक है। डुओडेनम जो है हमारा वो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। जेजिनम की बात करें, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा जेजिनम में होता है। इलियम जो है हमारी लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। इलियम के बाद हमारा जाएगा सीकम में, उसके बाद हमारा कोलोन जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एट द एंड रेक्टम। एक एक करके अच्छे से समझेंगे, पहले हम सीकम को देख लेते हैं एक बार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक सेलुलोज डाइजेशन, हमारा सीकम क्या है जो है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो सेलुलोज की डाइजेशन कराते हैं, ठीक है, सेलुलोज की डाइजेशन कराते हैं सीकम। ये जो है ह्यूमंस में नहीं होता। ये काउ और रैबिट के जो है हम एक बार देख लेते हैं, काउ और रैबिट के एग्जांपल में ये है हमारा जो है, ये हमारा है डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ से हमारा आया सीकम, ठीक है। ये है, ये जो लार्ज पोर्शन आप देख रहे हो ये है सीकम, सीकम में यहाँ पे है फूड पार्टिकल्स, ठीक है। ये है इलियोसीकम वाल्व। इलियोसीकम वाल्व से क्या मतलब है, देखो ये इलियम है, इलियम इससे ऊपर होगा, सीकम इससे, तो इलियोसीकम वाल्व होती है कि जो इसके आगे फूड, मतलब अब यहाँ पे सीकम में फूड आ गया तो ये वापस बैक फ्लो ना हो फूड का इलियम में, इसलिए ये वाल्व होती हैं यहाँ पे। उसके बाद ये लास्ट में ये जो पोर्शन है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिंग्स, इसको हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू होता है ये एक, ठीक है। ये एग्जांपल था हमारा काउ और रैबिट का। इन ह्यूमंस की बात करें ये हमारा होता है डुओडेनम, जेजुनम और अपना इलियम। उसके बाद ये है हमारा इलियोकेशियल वाल्व, ठीक है, वही जो मैंने बताया। उसके बाद ये ऐसे हमारी कोलोन होती हैं, यहाँ पे हमारी कोलोन, देखो हमारे में तो कोलोन है ना, सीकम के बाद क्या है, कोलोन। कोलोन सीकम से यहाँ स्टार्ट होती है, ये हमारी असेंडिंग कोलोन, ये हमारी ट्रांसवर्स कोलोन, ये हमारी डिसेंडिंग कोलोन, और ये यहाँ लास्ट में हमारी आती है सिग्मोइड कोलोन, ये लास्ट में एनस, ठीक है। मिनिमम पेरिस्टेल्सिस अकर, सेगमेंटल होती है एनस। उसके बाद कोलोन की बात करें तो कोलोन जो है इसमें तीन लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड होते हैं जिन्हें हम टेनियल टेनी कोलाई कहते हैं, टेनिय कोलाई, और
तीन मतलब इसमें वॉल्स पाउच कुछ प्रेजेंट होते हैं, पाउच लाइक वॉल स्ट्रक्चर, जिसको हम होस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। और होस्ट्रा का और टेनी कोलाई का जो काम होता है वो क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं कोलोन में। कोलोन में मैंने यहाँ बताया था कि कोलोन का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, तो जो इसको इसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं होस्ट्रा और टेनी कोलाई। नेक्स्ट बात करें, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वीन्स पाइल्स और हिमरोरॉइड्स डिसीज अकर्स। जब हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम पे जो है रेनल एक्टिविटी जो है वो हिंडर्ड हो जाती है, ठीक है, अच्छे से नहीं हो पाती, उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी जो रेक्टल वीन्स हैं उनमें एनलार्जमेंट हो जाती है, वो बड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से पाइल्स या हिमरोहोइड्स डिसीज हो जाती है। मतलब फिशिज में जो है हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ब्लड आने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब एलिमेंट्री कैनाल की। चार वॉल्स कंसिस्ट करती है ये, सिरोसा विसरल, ये आउटर मोस्ट होती है, मस्कुलेरेसिस लेयर, स्मूथ मसल्स, सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सब ये अपना इसमें ये होता है इसमें। और लास्ट में हमारी होती है म्यूकोसा, ये यहाँ पे कट गया है, लेकिन एक लास्ट होती है म्यूकोसा, सिरोसा, मस्कुलेरेसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। डायग्राम से समझ आएगा ये हमारा ल्यूमन है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में हमारी होती है सिरोसा, उसके बाद हमारी होती है मस्कुलेरेसिस। मस्कुलर भी एक लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलेरेसिस होती है, एक अपनी क्यूब ये अपनी सर्कुलर, ठीक है, LML और CML। उसके बाद हमारा होता है ये सबम्यूकोसा लेयर है, जहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब प्रेजेंट होती है। एट द एंड है हमारी म्यूकोसा, जिसके बाद है ल्यूमन। अब बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में दो नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एक होती है ओरबेक्स प्लुक्सिस जिसे हम कहते हैं, दूसरी होती है हमारी सबम्यूकोसल और मिजनर्स प्लुक्सिस, ओरबेक्स या फिर मायंट्रिक भी हम इसे कहते हैं। ये जो हमारी ओरबेक्स होती है ये प्रेजेंट होती है LML एंड CML के बीच में यहाँ पे, ठीक है, ये इसके बीच में हमारी ओरबेक्स प्लुक्सिस प्रेजेंट होती है। कंट्रोल पेरिस्टेल्सिस, ये क्या करती है, जो हमारे एलिमेंट्री जो हमारे स्टमक में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है ये उसको कंट्रोल करती है। सब म्यूकोसल क्या करती है, ये प्रेजेंट होती है CML और सब म्यूकोसा के बीच में, यानी CML से यहाँ सब म्यूकोसा के बीच में ये प्रेजेंट होती है, कंट्रोल करती है सिक्रेशन ऑफ गट, ठीक है, जो हमारे सिक्रेशन होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एरिया में, उसको देखो, एक तो पेरिस्टेल्सिस को कंट्रोल करेगी और दूसरा सिक्रेशन को। स्टमक में जो है हमारी एक्स्ट्रा ओब्लिक मसल भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ओब्लिक मसल्स, ओब्लिक क्या, ऐसे जो ऐसे होती है ना, टेढ़ी तिरछी, वो इन सब म्यूकोसा ऑफ डुओडिनम था, देख, ठीक है, स्टमक के बाद हमारे क्या डुओडिनम ही तो था ना, सब म्यूकोसा जो लेयर है डुओडिनम की, उसमें मल्टी सेलुलर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ, डुओडिनम में सिक्रीट करते हैं एल्कलाइन फ्लूड, और इन इट सिक्रेशन नो एंजाइम प्रेजेंट, और सबसे सिग्निफिकेंट बात जो है एल्कलाइन फ्लूड को सिक्रीट करते हैं लेकिन उसमें कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथीलियम फॉर्म्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं। ट्रांसवर्स को हम फोल्ड्स ऑफ करकेरिंग कहते हैं, या फिर वाल्व्यूलल कॉनिवेंट्स और प्लाइका सर्कुलरिसिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल को हम विलाई कहते हैं, जो विलाई का क्या काम होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जो विलाई हमारी प्रेजेंट होती है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। उनके सेल्स को हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं, जो विलाई में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं। ईच विलाई है सिंगल लिफ कैपिलरी इन सेंटर लैक्टियल और नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। लैक्टियल जो हर विलाई के बीच में प्रेजेंट होता है, लैक्टियल का काम होता है फैट एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अब देखो क्रिप्ट्स बिटवीन टू विलाई, ठीक है, बिटवीन टू विलाई क्रिप्ट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बर खून जिसे हम कहते हैं, विलाई में जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस, जिसको हम सुकस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुकस एंटेरिकस। ये हम इसका काफ़ी मेजर रोल है इस चैप्टर में, सुकस एंटेरिकस।
Crypts of Leverkusen are lined by unicellular glands called Paneth cells, secrete enzymes in intestinal juice. In ileum, pair patches, lymph nodes होते हैं. ये ileum जो हमारी होती है इसमें pair patches होते हैं, intestinal tonsils जिसे हम कहते हैं, जो lymphocytes को secrete करती है, WBC को secrete करती है. Longest part, ileum, widest, stomach, oblique muscle layer, stomach में, Brunner's gland, अभी पढ़ा था, submucosa, duodenum, pair patches, ileum, maximum villi absorption, jejunum, मैंने ऊपर लिखा था वो बताते वक्त कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं और लार्ज के भी तीन है, तो जेजुनम में मैक्सिमम विलाई एब्जॉर्प्शन, ठीक है, विलाई एब्जॉर्प्शन नहीं, विलाई जहाँ पे होगी वहाँ पे इस सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा. और हमारी जो टेनी और होस्टा थी वो कोलोन में, ठीक है, सरफेस एरिया H2O के एब्जॉर्प्शन के लिए. होस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीकम, मैक्सिमम डाइजेशन डुओडिनम में. और कॉफर सेल्स और ग्लीसन सेल्स एक होते हैं, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं. HCL की सिक्रेशन मैंने बताया था, पेरिएटल सेल्स, ठीक है, ऑक्सीटोनिन वो अपना सेकंड जो था HCL की सिक्रेशन, और वो विटामिन B12, विटामिन डी. अब बात करेंगे लीवर की. लीवर राइट साइड जस्ट बिलो डायफ्राम, हमारे डायफ्राम के नीचे राइट साइड पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है. लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, 1.2 टू 1.5 केजी इसका वेट होता है. दो लोब्स होते हैं, एंडोथर्मल होता है. ये हमारा राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है. इनके बीच में ये है कोरोनरी लिगामेंट जो इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है. यहाँ पे ये हमारा होता है कोरोनरी लिगामेंट में फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. इसके नीचे ये है लिगामेंटम टीयर्स. अब देखो ये जो गोल ब्लैडर हमारा होता है, गोल ब्लैडर राइट लोब में प्रेजेंट होता है. ये एक सिस्टिक डक्ट होता है, साइस्टिक डक्ट होता है. बाइल जूस इसका जो मेजर रोल होता है, ये जो हमारा बाइल जूस हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस हमें पता है, ठीक है, ये इसको कंसंट्रेट और स्टोर करता है, ठीक है. इसकी कंसंट्रेशन का और स्टोरेज का काम होता है गोल ब्लैडर का, किसकी, बाइल जूस की, ठीक है. अब हम बात करेंगे ईच लोब इज, देखो राइट लोब इज बिगर देन लेफ्ट लोब. जो हमारी राइट लोब है ये हम देख पा रहे हैं डायग्राम में भी कि राइट लोब लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में बड़ी है. तो ईच लोब इज मेड अप ऑफ हेप्टिक लोब्यूल्स. हर एक लोब जो होगी वो हेप्टिक लोब्यूल से बनी होगी, और जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की वो भी हमारी हेप्टिक लोब्यूल्स होती है. आप देखो ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये ऐसे पेंटागन शेप की पॉलीहेड्रल होती है. ये है हमारी हेप्टिक सेल्स, ठीक है, जो सिंथेसाइज करती है बाइल जूस को, कंसंट्रेट और स्टोर करता है गोल ब्लैडर. ये हमारी हेप्टिक सेल्स, यहाँ पे जो दो हेप्टिक सेल्स के बीच में सरफेस एरिया खाली है, हेप्टिक साइनोसोइड्स उसे हम कहते हैं, ठीक है. ये जो हमारी ऐसे हेप्टिक सेल्स ऐसे बहुत सारे अरेंज है, इस अरेंजमेंट को हेप्टिक कोड कहते हैं, हेप्टिक सेल्स के अरेंजमेंट को, ठीक है. और ये हमारे होते हैं हेप्टिक लोब्यूल्स, ठीक है, ये पूरा ऐसे पॉलीहेड्रल है जो उसमें ये है हमारा ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है, जो इसकी आउटर कवरिंग है इसे हम ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं. हेप्टिक लोब्यूल की आउटर कवरिंग ग्लीसन्स कैप्सूल उसे हम कहते हैं. यहाँ पे हमारा जो है ये बाइल कैनकुली होता है, ठीक है, ये बाइल कैनकुली जो बाइल जूस से फिल्ड होता है. यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो बाहर की साइड, ठीक है, ये कफर सेल्स होते हैं. इनका क्या काम होता है कि ब्लड यहाँ से अंदर जाएगा, फेगोसाइटिक सेल होते हैं लीवर के, ठीक है, फिल्टर करती हैं ये ब्लड को, ठीक है, यहाँ से फिल्टर करती है. उसके बाद ये एट द एंड हमारी ब्रांच ऑफ हेप्टिक वीन होती है जो हमारे ब्लड को जो है आगे लेकर जाती है. समझ आया, हेप्टिक सेल्स यहाँ पे सरफेस एरिया खाली, हेप्टिक साइनोसोइड्स, ये हमारा बाइल कैनकुली जहाँ पे बाइल जूस फिल्ड होता है, ये हमारा है कफर सेल्स फिल्टर्स द ब्लड, हेप्टिक कोड, ये हमारी हेप्टिक विन. अब डायग्राम देखो, ये लीवर है, हेप्टिक आर्टरी आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, हेप्टिक पोर्टल विन आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ठीक है, लीवर में डाल दिया. हेप्टिक विन अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर इन्फीरियर वाना कावा के पास, वीना कावा के पास गई. लीवर ने जो है हेप्टिक डक्ट, लीवर से हेप्टिक डक्ट निकलती है, ये डक्ट थी यहाँ पे हमारी, हेप्टिक सेल्स, हेप्टिक लोब्यूल्स, और ये हेप्टिक कोड हमारा था, ठीक है. हेप्टिक डक्ट जो है बाइल जूस कैरी करती है, और जो है ये लीवर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हेप्टिक डक्ट के थ्रू भेज देती है, और हेप्टिक विन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आईबीसी के पास चला जाता है. लीवर प्रोड्यूस करती है कौन से जूस, अब लीवर प्रोड्यूस करती है बाइल जूस, योक, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर, हेपरिन एंड यूरिया, ठीक है. बाइल जूस, योक, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर, हेपरिन एंड यूरिया बाय ऑर्निथिन साइकिल. यूरिया हमारा हमेशा ऑर्निथिन साइकिल से ही प्रोड्यूस होता है.
ओपनिंग ऑफ हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट इज कैरिड बाय स्पेंक्टर ऑफ ओडा इन डुओडिनम। जो ओपनिंग होती है हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट की वो होती है स्पेंक्टर ऑफ ओडाई की वजह से, ठीक है, डुओडिनम में। नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड जो है उसका दो काम होता है, एक मैस्टिकेशन ऑफ फूड, एक फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। मैस्टिकेशन क्या होता है, जब हमने फूड लिया तो उसको हम अपनी जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा इनामिल है वो हमारी फूड ऑफ मैस्टिकेशन में मदद करता है, तो जो उसका हम बिल्कुल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो मैस्टिकेशन होता है। और फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग क्या होता है हमारा, जब हम उसे निगलते हैं तो उसे हम फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग कहते हैं। आप देखो टोटल 5 जूस होते हैं हमारे टोटली सलाइवरी ग्लैंड में, हमने वो पढ़ लिया, 3 होते हैं वो जूस हमने पढ़ लिया, गैस्ट्रिक के हमने पढ़ लिए, बाइल हमने पढ़ लिया, पेनक्रियाटिक जो है पेनक्रिया से जो रिलीज होता है, इंटेस्टिनल सूकस जो मैंने बताया था, एंटेरिकस जो हम पढ़ेंगे आगे, मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को बोलस कहते हैं, जो म्यूकस इन सलाइवा उसमें जो है मतलब सलाइवा जो हमारे सलाइवा में म्यूकस होता है ना उससे जो मिलके वो मैस्टिकेटेड फूड हो जाता है उसको हम बोलस कहते हैं। और बोलस ठीक है जो हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टाइलिन इज एक्टिवेटेड बाय क्लोरीन। एक टाइलिन नाम का जो है इसे बोलस को हम टाइलिन भी कह देते हैं, वो एक्टिवेटेड होता है क्लोरीन के द्वारा। बकल कैविटी डाइजेस्ट ओनली स्टार्च। हमारी बकल कैविटी सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन वाइटमिन्स वगैरह डाइजेस्ट नहीं करती। हमारी सलाइवरी ग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन होता है, और जो प्रोटीन का, ग्लूकोज का, इन सब का डाइजेशन वो हमारे स्टमक में होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, अब गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करती है, वाटर H2O HCl 0.3%, म्यूकस CIF और इंजाइम्स जो हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। अब प्रोटीन से पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस बनता है, वो एंडोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में बनता है, और इससे जो अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइड, ठीक है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक्सोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में होता है। या आगे एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज बताऊंगी कौन से हैं। नेक्स्ट है कैजीन। कैजीन हमारा मिल्क प्रोटीन, ये प्रोटीन हमारे जो है मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। रेनिन है, रेनिन इन्फेंट्स में होता है यानी छोटे बच्चों में या एनिमल्स में होता है, हम जैसे बड़े हो जाते हैं अडल्ट्स में नहीं होता रेनिन। तो कैसिन रेनिन के प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट बना देते हैं कोगुलेटेड फॉर्म में, ठीक है, कोगुलेटेड फॉर्म में जो है कैल्शियम पैराकैसिनेट बना देते हैं, जो पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टोन या प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसिन रेनिन की प्रेजेंस में कोगुलेटेड फॉर्म में कैल्शियम पैराकैसिनेट, पेप्सिन की फॉर्म में वो पेप्टोन और प्रोटियोसिस। स्टमक मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा आता है स्टमक से डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड आता है, वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम कौन से जूसेज होते हैं, वो एक हमारा बाइल और पेनक्रियाटिक डुओडिनम में होता है, हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट। इंटेस्टिनल जूस हमारा होता है जेजुनम में, ठीक है। बाइल जो है अल्कलाइन मीडियम में होता है। बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। बाइल जूस कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता, ठीक है। बाइल जूस जो हमारा होता है वो कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता है। इट कंटेन्स बाइल सोल्ट्स, कोलेस्ट्रोल, बाइल पिगमेंट्स। ये सिर्फ क्या कंटेन करता है, सोल्ट, कोलेस्ट्रोल, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जिसे कहते हैं, और फोस्फोलिपिड्स। इट मेक्स फूड अल्कलाइन एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये जो है फूड को अल्कलाइन बना देता है, और बाइल जूस का एक जो काम होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, मतलब फैट जो है लार्ज मतलब अपने साइज में होता है, ठीक है, उसको सिंपलर छोटा फॉर्म में जो है तोड़ने का काम बाइल जूस का होता है, उसको ही हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। इट ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेसिस एंजाइम। लाइपेसिस एंजाइम हमारा फैट का जो ब्रेक डाउन करता है वो वाला एंजाइम होता है, तो उसको एक्टिवेट करके इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करा देता है। बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की, तो ये जो है 6 एंजाइम इनएक्टिव 6 एंजाइम ये कंटेन करता है, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेसिस, काइमोट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, न्यूक्लियसिस। आप देखो जो ये ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और
काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तीन क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब देखो हर एक के पीछे ओजन डेज एज एज ये सब है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में। अगर यही अगर एक्टिव फॉर्म में हमें बनाने हो तो क्या करेंगे? अमाइलेजिस का अमाइलेज हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन का काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा, लाइपेजिस का लाइपेज हो जाएगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज का प्रोकार्बोक्सीपेप्टिड हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन हो जाएगा, न्यूक्लियसिस का न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये उनकी एक्टिव फॉर्म होगी, ये सारे अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है, जो हमारा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, वो हमारा एंडोपेप्टिडेज होता है, जो मैंने बताया था ऊपर की एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज दो के प्रेजेंस में जो है प्रोटियोलिसिस और प्रोटियोलिटिक में हमारा कन्वर्ट हो रहा था। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हमारा एंडोपेप्टिडेज होता है, जबकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज हमारा एक्सोपेप्टिडेज होता है, ठीक है, इन अल्कलाइन मीडियम। आफ्टर एक्टिविटी, अब देखो पेनक्रियाटिक जूस की एक्टिविटी के बाद प्रोटीन डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च माल्टोस में हो गया, फैट डाई प्लस मोनोग्लिसरीड में हो जाता है, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में हो जाता है। आगे मैंने इनका जो है रिएक्शन लिख रखी है। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन लास्ट हमारा आता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड पास, जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो कौन से होंगे? हमारा ग्लूकोज होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड होगा, फैटी एसिड्स होंगे, ये सब हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं फूड के। तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू ब्लड लिप, जो वो फिर ब्लड में जो है हम फूड को एंड प्रोडक्ट्स को पास कराते हैं, वो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। ये पैसिव फैसिलिटेड या एक्टिव किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, फैसिलिटेड भी और एक्टिव भी। पैसिव जो होता है वो ग्लूकोज का अमाइनो एसिड और क्लोरीन और फैटी एसिड का होता है, ठीक है, पैसिव जिसमें एटीपी की मदद नहीं होती, फैसिलिटेड जो कैरियर प्रोटीन की मदद से होता है, और एक्टिवेटेड जिसमें एटीपी की मदद लगती है। फ्रक्टोज सम ग्लूकोज सम अमाइनो एसिड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा होते हैं, मतलब जिनमें कैरियर प्रोटीन की मदद होती है। फ्रक्टोज सम ग्लूकोज सम अमाइनो एसिड, मोस्टली ग्लूकोज और मोस्टली अमाइनो एसिड पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हैंस रिक्वायर, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, इसका मतलब इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कौन सा है? गैलेक्टोज, ठीक है, सबसे ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है ये सब्सटेंस गैलेक्टोज। फैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिम्फ कैपिलरी लैक्टेल्स इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, जो फैट है, जो हमारी लिम्फ थी, जो विलाई वाला एरिया था, हमारी विलाई के बीच में जो है लैक्टेल्स नाम का स्पेस प्रेजेंट होता है, उसमें जो फैट एब्जॉर्ब होता है उस लिम्फ कैपिलरी में, वो काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में होता है। एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है? ए सी और बी 17, एंटी कैंसर विटामिन ए सी और बी 17, ठीक है। ब्राउन कलर ऑफ एक्सक्रीटा, जो हमारे एक्सक्रीटा का ब्राउन कलर होता है, वो स्टीरोकोबिलिन पिगमेंट की वजह से होता है, स्टीरोकोबिलिन पिगमेंट की वजह से। बकल कैविटी सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय लोअर साइड ऑफ टंग, जो हमारे बकल कैविटी में कुछ ड्रग्स है, दवाइयाँ वगैरह होती हैं, वो लोअर साइड ऑफ टंग से एब्जॉर्ब होती है, इस फेगस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। बात करें स्टमक की, वाटर प्लस सिंपल शुगर ड्रग्स सम सोल्ट्स अल्कोहल, इसमें स्टमक में हमारा एब्जॉर्प्शन वाटर का भी होता है, सिंपल शुगर का भी होता है, ड्रग्स का भी होता है, सोल्ट्स का भी होता है, और अल्कोहल का भी स्टमक में ही डाइजेशन होता है। जबकि अगर इसके डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, वो लीवर में होता है, लीवर में एक्यूमुलेशन होता है अल्कोहल का। डुओडेनम में हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, जेजुनम में हमारा मेन साइट होती है ये एब्जॉर्प्शन की, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। इलियम में हमारा बाइल सोल्ट्स विद फैट विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर कुछ ड्रग्स और मिनरल्स, ऑल सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन ब्लड एक्सेप्ट फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्लस फैट सोल्युबल विटामिन दैट इज ADE के, सारे सब्सटेंस ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं सिवाय फैटी एसिड ग्लिसरॉल और फैट सोल्युबल विटामिन के, जो ADE के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे तीनों सब्सटेंस है ये वाटर में सोल्युबल होते हैं, ठीक है। बाइल जूस के साथ ये इनकॉर्पोरेट करके माइसेल्स बना लेते हैं, और माइसेल्स के बाद जो है ये वो अपना काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फिर लैक्टियल्स जो हमारी लिम्फ कैपिलरी थी विलाई के बीच में, वहाँ जाके जो है ये काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। इन बकल कैविटी फेरिंग्स ओस्फेगस एनल कैनल स्ट्रेटिफाइड्स,
जो हमारी बकल कैविटी है, फेरेंक्स है, ओस्वेगस और एनल कैनल है, ये हमारी स्ट्रेटिफाइड स्केमियस एपिथीलियम की बनी होती है। स्टमक और इंटेस्टिनल जो हमारे होते हैं वो सिंपल कोलमनर एपिथीलियम के बने होते हैं। एब्डोमिनल पेरिस्टेल्सिस रेगुलेट होती है पीएनएस पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, और इनहिबिशन होता है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। आप देखो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया, ये देखो ये हमारी है अंदर, ये बाहर की साइड है हमारी माइक्रोविलाई होती है, ये विलाई है हमारी अंदर, विलाई में जो सेल्स हैं उसको हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये विलाई लैक्टिल्स के अंदर होती है। ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होता है माइक्रोविलाई का, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया इंटेस्टाइन में। और लैक्टिल्स का क्या काम होता है, स्टोरेज ऑफ फैट। लीवर की बात करें, मेन साइट ऑफ डीअमाइनेशन इन बॉडी, ग्लाइकोजन, ठीक है, इसमें स्टोर होता है, और डीअमाइनेशन लीवर में होता है, विटामिन ए डी ई के लीवर में स्टोर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहल की लीवर में होती है, बाइल जूस, योर प्लाज्मा प्रोटीन, क्रोटिंग फैक्टर, हैपरिन एंड यूरिया बायोरिथिन साइकिल भी। सलाइवा की बात करें, सिक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी में सिक्रेट होती है, कंटेन करती है सोडियम पोटेशियम क्लोरीन हाइड्रोकार्बोनेट एंड एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोसोम्स। सलाइवरी अमाइलेज की बात करें अब, कि सलाइवरी अमाइलेज जो है हमारा वो क्या है, टाइलिन एंजाइम को जो है हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो एक्टिवेटेड होता है क्लोरीन के द्वारा, ठीक है, स्टार्च में फिर ये कन्वर्ट कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम 30% स्टार्चेज हाइड्रोलाइज्ड इन बकल कैविटी, सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा हमारा 30% स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बकल कैविटी में, ठीक है, डाइसैक्राइड माल्टोस बाय सलाइवरी अमाइलेज, और फिर जो स्टार्च है वो डाइसैक्राइड माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा, जिसका पीएच है 6.8, ठीक है, 6.8 जिसका पीएच होता है। नेक्स्ट बात करें लाइसोसोम्स की, लाइसोसोम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोसोम दो एंजाइम होते हैं, ठीक है, एक तो होता है अपना कन्वर्जन के लिए 30% स्टार्च को जो कन्वर्ट करता है, उसके बाद लाइसोसोम्स होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। 30% स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोस में कन्वर्ट हो गया। पीएच ऑफ बकल कैविटी अगर कम होगा तो टाइलिन कैविटी भी रिड्यूस होगी, ठीक है। अब देखो डाइजेशन इन स्टमक, स्टोर फूड फॉर 4 से 5 घंटे तक फूड स्टोर कर सकता है। म्यूकोसा ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रोइस्फेगल स्पाइंटर बोलस एंटर इन टू स्टमक। जब हमारी गैस्ट्रोस्फेगल स्पाइंटर रिलैक्स हो जाएगी तो बोलस हमारे स्टमक में एंटर हो जाएगा। फूड मिक्सिस दोरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम काइम कहते हैं, जो फूड एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाए उसका नाम काइम हो जाता है, काइम उसे हम कहते हैं। म्यूकस एंड बायकार्बोनेट गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, और इनका क्या काम होता है, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथीलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसंट्रेशन HCl की मदद से ये लुब्रिकेट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं म्यूकोसल एपिथीलियम को, ठीक है। पेप्सिनोजन की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक की प्रेजेंस में एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड बाय HCl, हाँ, और ये क्या होता है पेप्सिन फिर प्रोटियोलिटिक एंजाइम में, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो ये होता है हमारा स्टमक का। पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है एसिडिक मीडियम में, देखो पेप्सिन 2 से 3 पीएच जब इसका हो, 2 to 3 पीएच हो पेप्सिन का, तो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन से प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स में पेप्टिडेज। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस मैंने बताया फैट डाइजेस्टिंग होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। बात करें बाइल जूस की, बाइल जूस लाइपेज को एक्टिवेट करता है। फूड मीडियम इसका अल्कलाइन होता है, रिलीज इन टू डुओडेनम में ये रिलीज होता है, सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, लीवर में सिंथेसाइज होता है, कंसंट्रेशन एंड स्टोर्ड बाय गैल ब्लैडर, ठीक है। एब्जॉर्ब फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन भी हमारा बाइल जूस में होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मैंने बताया, जैसे ये लार्ज है, लार्ज को सिंपल स्मॉलर में कन्वर्ट होना कौन करता है, लाइपेज करता है, उसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बात करें पेनक्रियाटिक जूस की, प्रोटीन प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स इन काइम इंटेस्टाइन में ये जाता है, उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस में, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ पीजे, मतलब ये तीनों हमारे इंटेस्टाइन में प्रोटियोलिटिक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारे तीन होते हैं ना वो एंजाइम मैंने बताया था, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन का वो अपना कौन सा था, ट्रिप्सिनोजन था एक, तो एक काइमोट्रिप्सिनोजन था, ठीक है, एक कार्बोक्सी पेप्टिडेजिस था।
ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड होगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा. ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज एंजाइम और सिक्रेटेड होगा इंटेस्टिनल म्यूकोसे के द्वारा. उसके बाद ये एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होकर ये फिर जो एक्टिव ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस पे ट्रिप्सिन यानी जो हमारा एक्टिव एंजाइम है उसमें कन्वर्ट हो गया. अब ट्रिप्सिन जो है वो अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, हमारे पैनक्रियाटिक जूस में. अब देखो TNC ट्रिप्सिन और काइमोट्रोप्सिन जो एंडोपेप्टिडेजेस होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हमारा एक्जो होता है अल्कलाइन मीडियम में. ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, देखो ट्रिप्सिन और पेप्सिन का काम तो एक ही होता है कि ये प्रोटीन पेप्टोज या प्रोटीएसिस यानी प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इनके अल्कलाइन इनके मीडियम का फ़र्क होता है, इनकी जो है पीएच का फ़र्क है. कैसे समझोगे, ट्रिप्सिन का जो पीएच होगा वो अल्कलाइन होगा 7.528 जबकि पेप्सिन एसिडिक होता है 2-3, ठीक है, डिफरेंट पीएच होती है, लेकिन पेप्टोन और प्रोटीएसिस में ही ये कन्वर्ट होते हैं. उसके बाद ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज इनके ऊपर काम करके इनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, और डाइपेप्टाइड जो हमारे पेप्सिन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये चारों डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं. पेप्सिन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टिडेजेस होते हैं जबकि कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक्सो होता है. पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हुआ ट्रिप्सिन एंटेरोकाइनेज की. अब कार्बोक्सी पेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट हुए डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया. फैट्स लाइपेज की प्रेजेंस में डाइग्लिसरीड से मोनोग्लिसरीड. कार्बोहाइड्रेट 70% इनका पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइसैकेराइड जो अब 30% तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू हमारा स्टार्च जो है हो गया था आगे पास, ठीक है. उसके बाद जो है जो 70% कार्बोहाइड्रेट बचा था 70% काइम, अब वो काइम क्यों कहला, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में उसके साथ वो मिक्स हो गया था फिर तो काइम हो गया. पैनक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में वो डाइसैकेराइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है. पॉलीसैकेराइड स्टार्च एमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड में. न्यूक्लियसिस इन पैनक्रियाटिक जूस एक्ट न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियसिस न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स में. न्यूक्लिक एसिड जो हमारे DNA और RNA होते हैं वो न्यूक्लियसिस और DNAs और RNAs की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. न्यूक्लियोटाइड फिर न्यूक्लियोटाइडेजेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेजेस के प्रेजेंस में नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं. और पैनक्रियाटिक जूस की एक्टिविटी के बाद देखो प्रोटीन हो गया था डाइपेप्टाइड में, स्टार्च माल्टोज में, फैट डाइम और मोनोग्लिसरॉइड में, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में, लेकिन ये हमारे फाइनल एंड प्रोडक्ट नहीं होते. तो इनको एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड, माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो गया था. अब मैंने जो बताया था कि हम सुकोस और एंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस की भी बात करेंगे, ये अल्कलाइन मीडियम होता है बाय क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून, ठीक है, इनसे ये जो है सिक्रीट होता है. कौन से जो है ये अपना डाइपेप्टिडेज माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज लाइपेज न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कंटेन करता है ये. आफ्टर एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन फूड नोन एज काइम, ठीक है, ये हमने बात करी ली. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड आया लार्ज इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब जो H2O मिनरल और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रीट करता है म्यूकस को, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को जिसे हम फीसिस कहते हैं. फीसिस जो फिर एंटर करता है सीकम ऑफ एलाई थ्रो इलियो सीसियल सीकल वाल्व, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है ये एलाई का मतलब. अमाउंट ऑफ इट, अब दो हमारे पास टर्म है, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और एक और है हमारे पास फिजियोलॉजिक वैल्यू. इनका क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ इट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 1 ग्राम फूड इन बोम कैलोरीमीटर इज नोन, जितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुआ यानी निकला फ्रॉम कंप्लीट कंबर्शन, कंबर्शन 1 ग्राम फूड के कंबर्शन से जितना हीट लिबरेट हुआ उसे हम ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, जबकि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है बॉडी से कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 1 ग्राम फूड उसे हम फिजियोलॉजिक वैल्यू कहते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा फिजियोलॉजिक वैल्यू से बड़ी होती है. कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीफिक वैल्यू ये रही और फिजियोलॉजी की ये आप खुद से पढ़ लेना एक बार. विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स जो हैं दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक फैट सोल्यूबल एक वाटर सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल बी और सी होता है, फैट सोल्यूबल ADEK होता है. और दो विटामिन्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो खुद प्रोड्यूस होते हैं, एक तो विटामिन डी स्किन में जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो सनलाइट से. विटामिन के होता है जो कोलोन में हमारे प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के थ्रू.
विटामिन ई का जो साइंटिफिक नाम है वो टोकोफिरोल, ब्यूटी विटामिन भी हम इसे कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ये होता है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण जो है स्टेरिलिटी और या फिर जो रिंकल्स हमारे चेहरे पर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सब परेशानी हो सकती है। विटामिन के का साइंटिफिक नाम है नेफ्टोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन भी इसे हम कहते हैं। ये जो है कंटिन्यूस, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज कंडीशन हो सकती है, मतलब जो वो खून अंदर ही अंदर बहता रहता है, ठीक है। रिक्वायर फॉर ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत इसेंशियल होता है। और विटामिन ए की बात करें, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन इन आइज, ये हमारी जो है आई साइट के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।